नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि अभी न्यूज़ में चल रही है। इसका डिमांड जो है वेस्ट बंगाल सरकार जो है इसकी डिमांड कर रही है या इसको बनाना चाह रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अभी एक ही स्टेट असेंबली है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने अपने जो चुनावी मुद्दा होता है, जो चुनावी जो उनके डिमांड जो उनके जो लोगों को वो ऑफर करते हैं जो कि हम ये चुने गए तो ये काम करेंगे, तो उसमें इन्होंने बोला था कि हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इंडिया में कब से इसकी शुरुआत, के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या ये हर राज्य में होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आज पहली जो चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ जो हम जानना चाहेंगे इसमें, वो ये है कि ये क्या है, वॉट आर दे एंड वाई दे आर इन न्यूज़। सो ये क्या चीज़ है और ये क्यों न्यूज़ में है, ठीक है। तो देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जैसे सेंटर के अंदर लोकसभा राज्यसभा होती है, उसी तरह स्टेट के अंदर दो असेंबली हो सकती है, एक होती है स्टेट असेंबली जो तो कंपल्सरी हर राज्य में होती होती है, और एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज ऑप्शनल, सो आइदर यू कैन कीप इट और यू इफ यू डोंट विश देन यू कैन डिलीट इट, मतलब आप इसको बना भी सकते हैं हटा भी सकते हैं। तो इसके क्या प्रोसीजर्स हैं वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर डिफाइन है। तो ये जो है सेकेंड हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है। अब देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जब इलेक्ट हुई, ममता बनर्जी की सरकार, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि हम जो है सेकेंड हाउस बनाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर हम लोग एक और हाउस बनाएंगे, एक और हाउस लेके आएंगे। तो उन्होंने ये चीज़ मंशा जाहिर की थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो अभी जो है एक बिल लेके आने वाले हैं वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पर, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमेशा एक बात याद रखना, जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली से हमेशा 1/3 होंगे, तो ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो ये प्रॉमिस ने जो है पार्टी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में मैंने मेंशन किया था, और इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसा नहीं कि यह पहली बार इस्टेब्लिश होने वाली है या होगी, जो भी है इन फ्यूचर क्या होता है किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये 50 साल पहले इन्होंने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को वहाँ से अबॉलिश कर दिया था, जो वेस्ट बंगाल की सरकार थी उस टाइम, लेफ्ट की सरकार थी उन्होंने। तो अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर कितने राज्यों में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, दैट इज 6 स्टेट, दैट इज बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है। तो आप देखिए, पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी थी, लेकिन 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ है या अमेंडमेंट हुआ है, तो उसके बाद से वहाँ की जो, क्योंकि वहाँ पर जो है जो एट प्रेजेंट कोई भी ऐसा कोई असेंबली है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट अगर आपको कोई पूछे तो कितने में है, 6 स्टेट्स में है जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। द सेटिंग अप ऑफ ए सेकंड चैम्बर इज नॉट एक्सक्लूसिव इन द हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब ये कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी कि वहाँ पर सेकेंड हाउस होगा नहीं कि नहीं होगा, हाँ स्टार्ट वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, उसके बाद ये बिल जो है या जो ये जो है वो प्रपोजल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो फिर फाइनल कॉल लेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है किस तरह से स्पेशल मेजॉरिटी से ये पास करना पड़ेगा, उसके बाद जो है सेंटर जो है सिंपल मेजॉरिटी से अगर ये पास कर देता है तो वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों वोट करेंगे, तो ये जो है एक्ट जो है जो पास हो जाएगा, उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा, आगे बताऊँगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ अ पायलट बिल इन अ पार्लियामेंट, है ना। द इशू कुड देयरफॉर प्ले टू अनदर पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट, तो दिस इज द पॉलिटिक्स पार्ट, ये इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया अच्छे से आर्टिकल, आप चाहे दोबारा से पढ़ सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, मैं आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में भी दिया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने थोड़ी हिस्ट्री बताई है कि किस तरह से जो है लेफ्ट की सरकार आई थी तब उन्होंने ये जो है सेकेंड हाउस जो है इसको डिलीट कर दिया था या इसको एलिमिनेट कर दिया था, तो अभी ऐसी क्या नीड आन पड़ी या ऐसी क्या जरूरत थी जो इन्होंने वापस इसको इस्टेब्लिश करने का जो सोचा है। देखिए, हिस्ट्री है ब्रीफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कि किस तरह से इस्टेब्लिश हुई, किस तरह से ये हिस्ट्री इसकी थी, कहाँ से शुरुआत हुई। तो हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये 1919 में आए थे, तो इसके बाद जब जो है इसमें 1919 के बारे में इसमें बताया गया कि इसको हम फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में भी बाई कैमरल लेजिस्लेटर प्रोविंसेस में चालू करा गया,
ठीक है, यानी कि इंडियन प्रोविंसेस, मतलब जैसे अभी राज्य हैं उस टाइम प्रोविंसेस बोलते थे, तो राज्यों में भी दो असेंबलीज का गठन किया गया है। ठीक है, तो पहले 1990 में शुरुआत हुई इसकी, राज्यसभा के काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा यानी सेंट्रल लेवल पर शुरुआत हुई है ना, एट नेशनल लेवल, सीधे सीधे लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। और फिर उसके बाद 1935 में जो एक्ट आया, उसके बाद जब 1935 में बाइकैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन स्टेट्स के अंदर रखा गया, तो इसी के एक्ट के अंदर हमने 1937 में बंगाल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत करी। देखिए अगले लाइन में लिखा हुआ है, तो ये ईयर आपको याद रखना है 1937। ठीक है, तो बंगाल में अगर कोई पूछता है आपको कब फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुई थी या फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट हुई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो 1937 में हुई थी। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। सो देर, अब देखिए जब ये संविधान बन रहा था तो एक डिबेट चल रही थी कि भाई हमें सेकेंड हाउस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। देखिए एक चीज़ होता है कि जितने ज़्यादा मेंबर एलोकेट करोगे, जितने ज़्यादा मेंबर आप रखोगे, तो उनका खर्चा भी बहुत रहेगा, उनको अलाउंसेस वगैरह सब देने पड़ते हैं, सारी सुविधा देनी पड़ती है इन हाउस, और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब मेंशन वो सब देने पड़ते हैं उनको। तो इन सब चीज़ों में जो सरकार के पास बजट होता है वो लिमिटेड होता है, तो वो खर्चा तो हमारे जनता का ही बढ़ेगा, हमारे स्टेट का ही बढ़ेगा, हमारे देश का ही बढ़ेगा। तो यही सब जो बातें हैं संविधान सभा में जब डिबेट्स होती थी तो बहुत अच्छे लेवल पे डिस्कशंस हुए, और जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो हम कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ राज्यसभा दैट सेकंड चैप्टर एक्ट इज अ चेक ऑन हैस्टी डिलीजिलेशन एंड ब्रिंग डाइवर्स वॉइसेस इनटू लेजिस्लेचर्स, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि जो सरकार जब दो हाउस के बारे में गठन कर रही थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो वहाँ पे एक डिबेट चल रही थी कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इन्होंने जब राज्यसभा के फेवर में जो चीज़ बोली थी वो यही बोली थी कि भाई देखिए जो लोकसभा है वो डायरेक्टली इलेक्टेड रहेगी, तो हो सकता है किसी पार्टी को ज़्यादा वोट मिल जाए और कंप्लीट मेजोरिटी हो जाए या फिर बहुत अच्छी मेजोरिटी हो जाए, तो वहाँ पे फिर वो जो है कई बार इस तरह से पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं जो गलत डिसीजन या जल्दबाजी कर जाती सरकार। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए राज्यसभा जो है वो रहेगी, और वहाँ की जो है एज भी ज़्यादा रखी गई है, 30 ईयर्स रखी गई है, तो कंपैरेटिवली सीनियर या कंपैरेटिवली एक्सपीरियंस प्लेयर्स ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे। तो इसी तरह से वो अलग अलग फील्ड से जब हम राज्यसभा में मेंबर्स बिठाएंगे तो वहाँ पे वो लोग अच्छे डिबेट, अच्छा डिस्कशन और अच्छे इनसाइट्स देंगे किसी भी पॉलिसी के डिस्कशन में, और जो है ऐसे चेक डैम काम करेगा कि भाई हाँ ये जो है कि कोई अगर गलत डिसीजन हो रहा है तो वहाँ पे राज्यसभा रोक सकती है, और उसको जॉइंट सेशन का प्रोविजन हमारे असेंबली में है, हमारे संविधान में है। सो प्रोफेसर के टी शाह ये जो थे बिहार से थे, इन्होंने बोला कि सेकंड चैम्बर जो है सेंटर में ठीक है, लेकिन अगर स्टेट्स में आप बनाओगे तो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा पब्लिक जो एक्सचेकर है, मतलब जो पब्लिक का पैसा है उसमें जो सैलरीज वगैरह ड्रॉन होगी मेंबर्स की और अदर जो चार्जेस होते हैं वो सब ड्रॉन होंगे, तो ये बहुत भारी रकम पड़ेगी। मतलब आप देखिए कि जैसे सपोज करो इसका आप एग्जांपल ले सकते हो कि एक जॉइंट परिवार है, दो तीन भाई हैं एक साथ रह रहे हैं, माता पिता भी एक साथ रह रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि घर छोटा पड़ने लग गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि चलो हम एक और घर ले लेते हैं। लेकिन आप देखिए जब एक घर में थे सपोज करो उनका लेट्स से 50,000 में खर्चा चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने अलग घर ले लिया तो वहाँ पे कॉस्टिंग डबल हो जाती है, लगभग मतलब ₹1,25,000 इतना ₹1,00,000 आप मान लो, लगभग ₹1,00,000 आप उनका खर्चा बढ़ जाएगा, 50,000 जो सैलरी खर्चा हो रहा था वो ₹1,00,000 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी यही चीज़ हो जाओ, आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे मतलब कोई जैसे लीडर है तो वो जैसे कोई किसी को खुश करने के लिए भी कई बार जो है दूसरा हाउस का यूज़ कर सकता है, वहाँ पे उनको अपना पार्टी का जो है टिकट दे, अगर वो डायरेक्ट इलेक्शन में हार गए तो इनडायरेक्टली वहाँ पे उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में मोर पेट्रोनेज दे सकता है ना। और ओनली ये जो है सिर्फ डिले करती है लेजिस्लेचर्स को, मतलब कोई भी निर्णय कोई भी बिल अगर पास हो रहा है तो इन जो स्टेट की असेंबलीज होगी वो सिर्फ डिले का काम करेगी, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगी, है ना, क्योंकि जो सरकार, इन्होंने बोला था कि जो सरकारें हैं जो ओपोजिशन होगा वो हमेशा चाहेगा कि जो है सरकार को हम काम ना करने दें, या हो सकता है कि डिले क्रिएट किया जाएगा अननेसेसरीली। तो इसलिए ये केटी शाह जी जो है इस थ्योरी के अगेंस्ट थे कि दो चैम्बर्स होने चाहिए। द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट इन द बिगिनिंग, तो इन्होंने जो फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था मेकर्स थे, इन्होंने कहा कि ठीक है शुरू में जो है बिहार, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंसेस
और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी, क्योंकि ये पहले से चली आ रही थी तो उन्होंने अचानक से इसको बंद करने की नहीं सोची। तो यहाँ पे एक हाल फिलहाल इन्होंने कहा ठीक है ये प्रोविजन जो है यहाँ पे चलने दो, और उसके बाद इन्होंने ऑप्शन दे दिया सोसाइटी सरकारों को कि आप चाहें तो आपके पास ऑप्शन है अबॉलिश करने का यानी खत्म करने का सेकेंड हाउस को, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव लेजिस्लेटिव असेंबली द पावर, तो अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेटिव असेंबली को यानी कि जो स्टेट का पहला हाउस है फर्स्ट हाउस है या जो लोअर हाउस है उसको पावर दी टू ओवर रूल द काउंसिल, यानी सेकेंड हाउस या अपर हाउस को आप ओवर रूल कर सकते हैं इफ देयर वॉज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन दैम ऑन अ लॉ, ठीक है। तो वहाँ पे ओवर रूल हो सकता है लेकिन सेंटर में ये वाली पावर नहीं है, सेंटर में लोकसभा राज्यसभा को ओवर रूल नहीं कर सकता हर मैटर पर, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर अलग होते हैं लेकिन नॉन फाइनेंशियल भी नहीं कर सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कैप द मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल टू बी 1/3, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एल सी है एल सी की मेंबरशिप जो है हमेशा 1/3 होगी यानी ऑफ एल ए यानी कि हिस्से नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बातें लिखी गई है। अब देखिए अब हम जो है थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस करने के बाद अब देखते हैं आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। तो देखिए आर्टिकल 169 में क्या लिखा है, देखिए हेडिंग पढ़ी सबसे पहले, क्या हेडिंग है इसकी, जो इसकी हेडिंग है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, है ना, बनाना या खत्म करने की जो पावर है उसके बारे में यहाँ लिखा गया। अब देखिए जो बेयर एक्ट है ये बेयर एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ कैसे कैसे लिखा हुआ हर वर्ड पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। तो आर्टिकल 168 में क्या बोलता है कि पार्टी पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द अबॉलिशन ऑफ एलसी ऑफ ए स्टेट हैव सच ए काउंसिल फॉर क्रिएशन ऑफ सच काउंसिल इन द स्टेट हैविंग नो सच काउंसिल, है ना। तो पार्लियामेंट एक लॉ बना के अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल having such a council या फिर creation of such a council in a state having such no such council if LA of the state, अब देखिए पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है provided कैसे if LA अगर LA पास करती है, ठीक है साफ साफ लिखा है, अगर LA superior मतलब special majority से पास करती है, special majority क्या होती है या तो total मतलब दो चीज़ें होती है इसके अंदर, एक होती है total membership of house का majority में मतलब 50% of total membership of जिसे सपोज करो 500 है तो 500 का 250 प्लस 1 251 अगर फेवर में वोट पड़ रहे हैं तो मेजोरिटी हो गई, है ना, टोटल मेजोरिटी का वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। दूसरा था 2/3 मेजोरिटी यानी कि 2/3 ऑफ 500, तो 2/3 ऑफ 500 कितना होता है ये आप देख लो। तो ये दोनों चीज़ें क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है तो ये स्टेट असेंबली से पास हो जाएगा और उसके बाद वो सेंटर में जाएगा, सेंटर में जो है सेंटर की जो लोकसभा राज्यसभा है वो सिंपल मेजोरिटी से अगर पास करते हैं तो आप अबॉलिश कर सकते हैं और क्रिएशन कर सकते हैं ना। तो ये सब बातें आर्टिकल 169 में लिखी है। अब 171 में क्या लिखा है कि भाई जो ये है अपने ये चीज़ हमने पहले पढ़ी ली है कि जो है 1/3 ऑफ मेंबर जो होने चाहिए एल सी के एल ए के कंपैरिजन में, लेकिन 40 से लेस किसी भी स्टेट में नहीं होने चाहिए, तो ये बात 171 में लिखी हुई है। तो आप ये दो आर्टिकल देख लेना, बेयर एक्ट जो है एक बार पढ़ के देख लेना क्या चीज़ें लिखी हुई है, और ये जो है जब सरकारें जब ये करेगी तो ये आर्टिकल 168 के अंदर नहीं काउंट होगा, ठीक है, ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो ये दो आर्टिकल हैं आप वही रेट पढ़ लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं क्या नेगेटिव चीज़ें हैं एलसी से एसोसिएटेड, तो एक दो चीज़ें हमने पहले भी डिसीजन डिस्कस कर ही ली है। अब देखिए पहले हम पॉजिटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें एलसी बनाने का फ़ायदा ये है कि एक जैसे कोई हैश डिसीजन हो रहा है तो हाँ ठीक है डिले करेगा कम्प्लीटली जो स्टेट के अंदर है कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकता या कोई जॉइंट शेडिंग का कोई प्रोविज़न है नहीं, लेकिन हैस्ट डिसीजन को चेक जरूर करेगा क्योंकि भाई देखिए आप कोई भी कानून है बना रहे हैं कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो वो सदन में जब डिस्कशन के लिए आएगी तो आप डिस्कस करेंगे, सपोज करो अपर हाउस ने या लोअर हाउस ने सबको जो असेंबली है उन्होंने पास कर दिया, लेकिन एलसी में हर तरह के बंदे होते हैं हर वेरियस डाइवर्स फील्ड से बंदे आते हैं, वो लोग जब डिस्कशन करेंगे वो लोग जब अपने इनपुट्स देंगे तो उससे अच्छा डिस्कशन होगा और जो गवर्नमेंट अगर कुछ गलत डिसीजन ले रही तो उस पर एक चेक क्रिएट करेगा। उसके बाद देखिए सेकंड चीज़ ये है कि जो लोग हर आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते और सरकार या गवर्नमेंट जो चाहे कि इस तरह के बंदे जो हमारे को अच्छी इनपुट्स दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से उनको हम लोग लेटरल एंट्री दे सकते हैं विदाउट इलेक्शन, ठीक है। फिर ये बेटर डिबेट्स होती है डिस्कशन होती है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर क्या होता है कि जैसे अब जनसंख्या बढ़ गई है और काम भी बहुत बढ़ गया है तो उससे जो सेकेंड हाउस होता था वी हैव मोर मेंबर्स फॉर शेयरिंग ऑफ वर्क राइट देन वी कैन डिस्कस दिस कॉन्स ऑल्सो। देन देख सी सी सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेंडिचर हाई हो जाएगा, ये हमने पहला स्लाइड में पढ़ा था। उसके बाद क्या होता है कि जो जो पार्टी के लॉयल्स होते हैं या जो इनको बैक एंट्री मिल जाती है जैसे कोई इलेक्शन हार गया तो वो बैक एंट्री, जैसे अभी एग्जाम्पल देता हूँ आपको अरुण जेटली जी हैं,
जब भी वो 2014 में चुनाव हार गए थे लोकसभा का, तो उनको राज्यसभा में से बैक एंट्री दे के उनको एंटर करा देता है ना, वरना वो अमृतसर से चुनाव हार गए थे। तो यहाँ पे स्टेट्स में भी सेम चीज़ है, नॉमिनेशन ऑफ पार्टी लॉस, मतलब आप नॉमिनेट कर रहे हैं, नॉमिनेशन के पावर भी होती है यहाँ पे गवर्नर को, तो वो नॉमिनेशन के थ्रू भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर लिमिटेड पावर होती है इनके पास, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ओवर राइड कर सकती है, मतलब उनके जो डिसीजन है वो फाइनल नहीं होते हैं, वो माने नहीं माने एलए की मर्जी है। फिर ये हम ये सब चीज़ें हमने पॉलिटी में पढ़ रखी है। फिर देखिए एमएलसी का कोई रोल नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो ये भी एक इसका कौन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर इसको लिमिटेड करता है। फिर ये क्या है, ये सिर्फ डिसीजन को डिले कर सकती है, उसके रोक नहीं सकती कम्प्लीटली। तो ये सब चीज़ें हम जो है कॉन्स में गिन सकते हैं। ठीक है, तो प्रोज हमने डिस्कस कर लिए, कॉन्स हमने डिस्कस कर लिए, आप इसका स्लाइड्स का फोटो शीट खींच सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो कभी भी आप डिस्कस करें तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलजी, अब देखिए कैसे कैसे बनती है कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे आते हैं। तो देखिए 1/3 मेंबर जो हैं लोकल बॉडी के चुनाव से आते हैं, लाइक म्यूनसिपैलिटी वगैरह, ये लोग चुन के भेजते हैं। फिर जो 1/12 मेंबर हैं वो ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग और रिजाइडिंग इन द स्टेट, ये लोग चुन के भेजते हैं। फिर 1/12 मेंबर टीचर जो होते हैं उनसे चुन के आते हैं। फिर 1/3 मेंबर जो हैं, ये 1/12 का हो गया कि 1/3 1/3 हो गया, यानी 2/3 ये हो गया। ठीक है, और फिर 1/12 1/12 यानी ये 1/6 हो गया, तो रिमाइंडर ऑफ 1/6 जो होंगे वो नॉमिनेट करेगा गवर्नर साहब। कहाँ से करेंगे, स्पेशल नॉलेज वाले लोगों को, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस है। ठीक है, अब जो ये बचे 1/3 थे, ये लोग जो एलए वाले मेंबर्स हैं ये लोग इलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से इलेक्शन हो रहा है, तो ये लोग किस इनको इलेक्ट करेंगे, जो इनके लॉयल्स होंगे। अब गवर्नर साहब को ये बोल देंगे कि साहब आप हम इन लोगों को लगाओ, तो जो इनकी आइडियोलॉजी से या जो सरकार के हित में लोग रहेंगे उनको लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 5/6 मेंबर का टोटल मेंबर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो ये फिर 5/6 जो मेंबर हैं एलसी के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड और 1/6 जो है नॉमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्टेड किस तरह सिस्टम से होंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन एलएससी का था, मतलब किस किस तरह से, जैसे 100 सीटें हैं, सपोज करो 90 सीटें, तो 90 में से 30 सीटें जो होगी म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सब चीज़ें ये लोग चुनेंगे। 1/3 जो है जो एलए वाले मेंबर्स हैं वो चुनेंगे। ठीक है, उसके बाद 1/12 जो सीटें हैं वो चुनेंगे कौन, ग्रेजुएट्स। देन 1/12 सीटें कौन चुनेंगे, टीचर्स। एंड देन 1/ जो रिमाइंडर है, मतलब 1/6 जो सीटें हैं वो जो है नॉमिनेशन के थ्रू भरी जाएगी, और उसको नॉमिनेट करने का अधिकार किसके पास है, गवर्नर के पास। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब देखिए काउंसिल इन अदर स्टेट्स, अब देखिए ये थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री दे रखी है कि किस तरह से दूसरी स्टेट्स डिमांड करते हैं, अबॉलिश करते हैं, और अभी किन किन स्टेट्स की हमारे पास पेंडिंग पड़ी है। अब देखो तमिलनाडु में है, तो ये एक इशू चल रहा है कि हम लोग सेकेंड हाउस बनाएंगे। ठीक है, तो डीएमके ने भी कई अटेम्प्ट किए, तो अभी जो चुनावी मुद्दा था, हो सकता है आप रिसेंटली आप देखो कि अब जो आने वाले टाइम में आप देखो कि जो है डीएमके भी ये लेके आएगा कि सेकेंड हाउस का प्रोविजन लेके आएंगे, या मतलब ट्राई करेंगे कि सेकेंड हाउस हो जाए। और इसी के साथ 2018 में एमपी में भी कांग्रेस ने सिमिलर प्रॉमिस किया था, इस तरह से चुनाव लड़े थे, चुनाव उनकी मुद्दा होता है एक्चुअली ये। ठीक है, और उसके बाद जो अपने हारे हुए कैंडिडेट हैं उनको भी एक जगह देने का जरिया होता है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं राजस्थान में भी एक बिल पास किया हुआ 2012 में, भी एक पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश जो है वो अबॉलिश करना चाह रहा है, वहाँ वो भी बिल पेंडिंग पड़ा है। असम ने भी ये बिल पास किया 2010 में, वो भी पेंडिंग पड़ा है अभी तक, है ना। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए एलसी वर्सेस आरसी, इन दोनों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक तो पॉइंट पहले ही बता दिया इसमें, अब इसमें जो है एलसी की पावर लिमिटेड होती है, क्योंकि राज्यसभा में के पास जो पावर्स हैं उसमें वो अच्छी पावर्स हैं नॉन फाइनेंशियल के, नॉन फाइनेंशियल इश्यूज में, फाइनेंशियल में नहीं है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल में अच्छी पावर है, वो किसी भी बिल को ब्लॉक कर सकती है, और जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन है, लेकिन स्टेट के अंदर यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं होता, तो एलसी की पावर बहुत लिमिटेड आ जाती है। फिर ये जो है सजेशन वगैरह को ओवरराइड कर सकती है काउंसिल के सजेशन को, असेंबलीज, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं है, अनटिल अनलेस इट इज़ अ मनी बिल और समथिंग लाइक दैट, लेकिन नॉन फाइनेंशियल चीज़ों में राज्यसभा को बराबर का अधिकार है। फिर जो है राज्यसभा जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में वोट पार्टिसिपेट करती है, लेकिन ये एलसी वाले मेंबर्स हैं ये लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
तो अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो होता है राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, तो लेकिन इस तरह के कोई प्रोविजनल काउंसिल में नहीं है, वहाँ का ही मेंबर चूज करते हैं काउंसिल चेयरपर्सन के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।